हे एवरीवन, डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 187. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Happy Holi Dugu. सो ही गाइज, वेलकम बैक टू नीलम सारांस डेली ब्लॉग्स. और अभी का सीन ये है कि मैंने बताया था आपको होली हमारी थोड़ी लेट चली थी, तो बस ये लेट नाइट होली का ब्लॉग था जो कि उसी दिन का है, लेकिन ये दूसरे दिन अपलोड किया जा रहा है. हमारी ना बाहर होली जल रही है. ताई जी का वो चाची जी का फ़ोन आया था, बस मैं जा रही हूँ, जाना को भी लेके जा रही हूँ. सो मैं बाहर आपको जाने के बाद दिखाऊंगी कि होली जल रही है, मतलब ऐसे आग डल गई है उसमें, जली गई है. सो मैंने पहले ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, मुझे पता ही नहीं था. मैं जैसे ही ऊपर आई, वैसे मुझे पता चला कि अभी तुरंत आग डलती जा रही है. और मैं पता 2 मिनट पहले ही ऊपर आई थी, अभी 11 से 15 मिनट पहले. सो बस अब जल गई, तो मैं आपको जाके दिखाती हूँ. सुबह सो गाइस, मुझे ये लगता है कि हमारे घर वाले ना पूरा खेत की फसल ही काट के ले आए. इतने सारी बाले यार, कौन लेके आता. और ये चने भी बहुत सारे थे, वो तो बांट दिए इधर उधर, वरना इतने सारे थे ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं आज क्या ही मतलब बनने वाला. और हाँ, ये बाल खाने का मौका ना साल में एक बार ही मिलता है, क्योंकि ये हर साल होली पर ही बनाई जाती है, मतलब कि भुनी जाती है और कभी नहीं. और यहाँ बीच बीच में बहुत सारा फन चल रहा है जो कि आपकी समझ से बाहर हो. हाँ, अभी तो मैं कह रही है तो क्या हो रहा है. यहाँ आदमियों की परिक्रमा हो गई थी, अब हम लेडीज की बारी है. यहाँ लियाना जिद कर रही है कि मुझे गोद में लेके परिक्रमा दे लो. सो अभी हम लोग ले आए अंदर से बहुत सारे फटाके. सो बस यहाँ चलाने वाले हैं हम लोग. ये होली का त्यौहार है.
अरे नहीं, वो तो वैसे ही वो गंदगी जलाई थी बाबा ने, पत्ता जलाई कहाँ गई थी लियाना? घूमने गई थी, उसे बंद करो। क्या लेके आई? ओ उसने पहले छुटा लिया। चलो अब कल आएंगे, जो नहीं अपना पैकेट कल आएंगे। सो यहाँ सब फटाके चला रहे थे, बाबा से किसी ने नहीं कहा, तो बाबा ने किसी से पूछा नहीं, बाबा अंदर गए। मुझे लगा बाबा सोने गए हैं, वही पता चला बाबा अपने बहुत सारे फटाके लेके बाबा भी चलाने आ गए। ये काम सही है, मतलब सो गाइस इस बाल से ना इतनी लगती है, मैं क्या बताऊँ, हाथों पे ऐसे रगड़ो ना इसको तो भाई ये लगता है क्या ही करें। पर ये खाओ, सब लोग खाते हैं तो यार मन भी करता है कि खा ही लो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये चने तब भी सही रहते हैं यार, मतलब इनको छीलो निकाल लो और सीधा खा लो। बेचारे चने, मतलब कि कितने सीधे हैं। सो यहाँ नानू ने खा लिए बहुत सारी बाल है। सो नानू के पापा नानू को डांट रहे हैं कि तुझे वॉमिट ना हो जाए, अब रहने दे भाई। ला नानू मैं छीन दूं बाल ला। अरे ये मोटा नानू, ये देख बाल ना। लेने के लिए आइसक्रीम आई हुई थी। हाँ हाँ दे रही हूँ बेटू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो यहाँ ले आना, वो आइसक्रीम चाहिए तो मैं इसको दे रही हूँ। वहाँ ले आना आइसक्रीम खाती है ऐसे ऐसे, ये वाली फ्रिज में रख दूँ। गाइस हम लोग आ गए ऊपर और लियाना यहाँ खा रही है आइसक्रीम, और दहन हो चुका है, होली जल चुकी है हमारी, और ना काफ़ी टाइम भी हो गया है, और मैं इसको निकाल देती हूँ। ये शिका लगा गई थी इस कलर को, और सुबह शायद हम लोग होली खेलेंगे, वो वाला ब्लॉग तो बहुत ही मज़ेदार होगा शायद से, फिर पता नहीं। और सोच के तो मैंने बहुत कुछ रखा था, लेकिन मेरे यार कुछ भी वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी देखूंगी यार क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जो मुझे कल चाहिए थे वो तो आए नहीं, मतलब जो भी मैं चाह रही थी। बट नानू अपने हिसाब से जो भी लाना था उसको ले आया। तो उस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।